नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 नवंबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनकी एआईसीसी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। पायलट ने उदयपुर दौरे में अपने समर्थकों से यह कहा कि वे राजस्थान में ही सक्रिय रहेंगे। मैं संगठन के लिए पहले भी काम करता था और आज भी जब पार्टी बंगाल, केरल, बिहार, असम आदि जगह भेजती है तो जाता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी जो भूमिका तय करेंगे वे वो ही करेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि राजस्थान में 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बने। उसके लिए जो भी करना होगा हम राजस्थान में करेंगे। उनके इस बयान से उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र की फुत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 3 सगी बहनों ने देर रात ट्रेन के सामने कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव निवासी 3 बहनों 16 वर्षीय प्रीति, 14 वर्षीय काजल और 11 वर्षीय आरती ने अपने घर से 18 किलोमीटर दूर जफराबाद सुल्तानपुर रेल प्रखंड में जनसाधारण एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते तीनों ने यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि इन बहनों के पिता राजेंद्र प्रसाद गौतम की मौत 9 साल पहले हो चुकी है और उनकी माँ 3 साल से पूरी तरह दृष्टिहीन है। उनकी एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। कुमार ने बताया कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तीनों बहनें और उनका भाई गणेश मजदूरी करते थे। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगारों अभ्यर्थी राजस्थानी जयपुर स्थित कार्यालय में पहुंचे। जानकारी के अनुसार 21 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने उपेन्द्र यादव से समझाइश की। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित अन्य बेरोजगारों को पुलिस ने हिरासत में लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाने के बाद उपेन्द्र यादव सहित अन्यों को छोड़ दिया गया। तमिलनाडु के वेलोर जिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों ने मृतकों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने घटना के अंदर मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। तमिलनाडु में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ मौजूदा उत्तर पूर्व मानसून अब खतरनाक रूप लेने लगा है। उत्तरी तमिलनाडु के जिलों समेत राज्य के कई भागों में बारिश जारी लगातार है। पत्नी पर पेट्रोल छिड़कने और मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में मर्ग दर्ज थी जिसको अब हत्या के मामले में तब्दील कर दिया गया है। इस संबंध में बीकानेर के GNVC थाने में मृतका के भाई मोहम्मद शरीफ ने रिडमलसर सिपाहियन निवासी सलीम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। घटना रिडमलसर सिपाहियन में 6 फरवरी 2021 की है। प्रार्थी ने बताया कि उसकी बहन शमशाद की शादी आरोपी के साथ वर्ष 2009 में हुई, जिसके बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान आरोपी ने 6 फरवरी को अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और अपनी पत्नी पर छिड़क कर जला दिया, जिससे वह बुरे तरीके से घायल हो गई और अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जिसके इलाज के दौरान 31 मार्च 2021 को मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रेलगाड़ी की चपेट में आने से पुलिस में कार्यरत एक ASI की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। नौहर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से परलिका निवासी भूप सिंह यहां थाने में ASI के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि आज सुबह सैर करने के लिए गए थे। बुकरका गांव से पहले किसी समय भूप सिंह रेलगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस में भी शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने बताया कि ASI के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जालौर जिले में एक युवक द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मामला लालपुरा गांव का बताया जा रहा है। युवक द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी सामने आया है। सुसाइड नोट में युवक ने 2 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चूरू जिले के सरदारशहर शहर के पानीपुरा थाने में हरदेसर गाँव के पास एक बड़ा हादसा हो गया।
जानकारी के अनुसार यहां मेगा हाईवे पर सवारियों से भरी निजी बस पलट गई। हादसे में डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर भानीपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी घायलों को निजी वाहनों 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि हादसा बोलेरो गाड़ी को बचाने के प्रयास में हुआ। सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी सहित अन्य नेता मौके पर पहुंचे और घायलों की जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले के एक हॉस्टल वार्डन की काली करतूत सामने आई है। जानकारी के अनुसार हॉस्टल वार्डन सुरेश 11 वर्षीय बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। परिजनों ने बिसाऊ थाने में मामला दर्ज करवाते हुए हॉस्टल वार्डन सुरेश पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने SC ST और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच COCT लोकेंद्र दादरवाल कर रहे हैं। बाड़मेर जिले में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार घटना वन विभाग एरिया जोगियों का धोरा के पास की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 15 लाख रुपए की अवैध शराब परिवहन करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 2 कार में शराब से भरे ट्रक की एस्कॉर्ट कर रहे थे। शराब नागौर से गुजरात भेजी जा रही थी। थानाधिकारी विवेक सिंह राव ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान SI इंद्रजीत परमार को सूचना मिली कि अंबेरी चौराहे की तरफ से एक ट्रक में अवैध रूप से शराब परिवहन कर ले जाई जा रही है। ट्रक में 15 लाख रुपए कीमत की 351 कार्टन शराब भरी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।